मीनाक्षी, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तू बाहर नहीं निकली तो मैं केबल टीवी वालों को बुलवा कर तेरा लाइव टेलीकास्ट करवाऊंगी। मरी रे। ओके, मैं जा रही हूँ। मीनाक्षी, मुझे तो लगा था कि सुबोध भाई के जीन्स और टी शर्ट में तू जोकर जैसी लगेगी, लेकिन तेरे सामने तो मैं जोकर जैसी दिख रही हूँ, है ना सुबोध भाई? अच्छा, विकेट गई, फिसल गए। अरे मैं तो बस देख रहा था। ये तो देख रहे हैं। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। भाभी, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। अकेली कहाँ, सुबोध भाई है ना? इसीलिए तो कह रही हूँ मैं। बैड लक, फिर भी ऑल द बेस्ट। अरे मीनाक्षी, मीनाक्षी मैं तुम्हारा पति हूँ, जग्गा डाकू नहीं। रो रो मत, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ प्लीज प्लीज, रो मत। मैं तो सिर्फ तुम्हें जी भर के निहारना चाहता हूं। नहीं। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मीनाक्षी। ऐसे क्या इन कपड़ों में उड़ाई मजाक मेरा, इस तरह जेंट्स के कपड़े पहना कर। मीनाक्षी, जब तुम जेंट्स परफ्यूम डालने के लिए राजी हो तो जेंट्स कपड़े पहनने में क्या प्रॉब्लम है? और मैं तो चाहता हूँ कि तुम रोज ऐसे कपड़े पहनो। हाँ? ताकि तुम्हारे प्यार में मैं रोज पढ़ूं और हम। कौन वो चारी अच्छा वाली माता ने? कौन? हेलो हेलो, गोदावरी बहन सिंगापुर से आ गई? हाँ आ गई। मुझे उनके बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए थी। आप वही है ना जिन्होंने कुछ दिन पहले भी फोन किया था? जी, आप उनके बारे में डिटेल। आप क्यों पूछ रही हैं ये सब? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, कल आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए, जब तक आप मुझे वजह नहीं बताती तब तक मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। देखिए, अगर आपने मुझे अभी नहीं बताया तो शायद इस बात का कल आपको अफसोस होगा। मैं कह रहा हूँ ना, होगा किसी टेलीमार्केटिंग वाले का फोन, बा को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए फोन किया होगा। लेकिन उसके लिए वो बाकी डिटेल्स क्यों पूछेगा? तीन बार फोन आ चुके हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। ओ बेबी, तू बेकार में परेशान हो रही है। अच्छा ये बता, कैसा लग रहा हूं मैं? लगते तो आप हमेशा अच्छे हैं, लेकिन इस शर्ट में आप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू। अब ऐसे वो तो तुम कहोगी ना। क्यों? क्योंकि शर्ट तुमने गिफ्ट दिया है। सब अपने अपने गिफ्ट के लिए मुझे गुड लुकिंग बता रहे हैं। प्रवीण भाभी बता रही थी, हेमल भाई आज आप बहुत महक रहे हो, उन्होंने परफ्यूम गिफ्ट दिया था ना। और मोटा भाई कह रहे थे, हेमल ये घड़ी तुझ पे बहुत जच रही है, ये जो घड़ी, माय गॉड 9:30 यहीं पे बज गए, लगता है जॉब के पहले दिन ही लेट पहुंचूंगा। चल चलता हूँ। सुनिए हेमल भाई, जो भी सिंगापुर गया था सबने सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया, प्रवीण भाई ने आपको क्या दिया? कंजूस, किसी को भी कुछ नहीं दिया होगा उन्होंने। सबके लिए वो कुछ ना कुछ लेके आए, सुबोध भाई के लिए, मीनाक्षी भाभी के लिए, शिल्पा भाभी के लिए, यहां तक कि राजा के लिए फेस पैक लेके आए। सिर्फ मेरे लिए कुछ नहीं लाए। एनीवे चलता हूं, बाय।